press the bell icon for all the updates. अनुष्का शर्मा की प्रोडक्शन में बनी फिल्म परी नॉट अ फेरी टेल के खौफ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई खलबली। परी रिलीज हुई होली के त्योहार पर यानी कि 2 मार्च को और पहले वीकेंड पर ₹15.34 की ताबड़तोड़ कमाई की। ताबड़तोड़ इसीलिए क्योंकि फिल्म ने रिलीज के 3 दिनों में कमाई के मामले में अच्छी बढ़ोतरी दिखाई। फिल्म ने डे 1 फ्राइडे को 4.36 करोड़ रुपीस कमाए, सैटरडे को 5.47 करोड़ और संडे को 5.51 करोड़ रुपीस, यानी कि कुल मिलाकर ₹15.34 करोड़ इंडिया बिजनेस। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्विटर पर इन फिगर्स की जानकारी दी। परी बॉलीवुड के उन कुछ हॉरर फिल्मों में से एक है जिसने वाकई में हर सीन में दर्शकों के रोंगटे खड़े किए। साउंड इफेक्ट से लेकर अनुष्का और हर एक कैरेक्टर का रोल काबिले तारीफ रहा। बॉलीवुड नाउ ने किए रिपोर्टर्स रिव्यू में भी कुछ नामचीन पत्रकारों ने फिल्म को अपनी रेटिंग दी। यहाँ बहुत अच्छी फिल्म है, पर ये फिल्म अच्छी है, थोड़ा कॉन्सेप्ट नया है। होल्डिंग द अदर पर्सन हैंड द होल टाइम, आई थिंक आई एम स्टिल टेकिंग टाइम टू कम आउट ऑफ इट। वही परी के साथ साथ रिलीज हुई पुलकित सम्राट और कृतिक हरबंदा की फिल्म वीरे की वेडिंग, जो कि अपने टाइटल को लेकर ऑलरेडी कॉन्ट्रोवर्सीज में थी। ये फिल्म हल्की फुल्की कॉमेडी है, लेकिन ये दर्शकों को थिएटर तक खींच नहीं पाई। फिल्म ने पहले दिन सिर्फ और सिर्फ 80 लाख रुपए की कमाई की और फेल साबित हुई। वेल, क्लियरली परी फिल्म भले ही डरावनी हो, लोग देखने जा रहे हैं और धीरे धीरे शायद अगले वीकेंड पर अच्छी कमाई कर ले। वैसे आपको कैसी लगी दोनों ही फिल्में, वीरे की वेडिंग और परी? अपने रिव्यूज कमेंट्स के जरिए हमें बताइए।